नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन से संबंधित फार्मूले पे और ताले से संबंधित प्रश्नों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखा जाए क्वेश्चन, फार्मूला देखा जाए इसका। अगर मान लीजिए आपसे हम कहे 3P1, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो इसकी वैल्यू जो है क्या मिल जाएगी, यहां से 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना मिल जाएगा, 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और ये कितना मान इसका आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कितना बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मान आ जाएगा कितना 3 आ गया। सेम तरीके से ऐसे अगर आप यहां पे 4P1 अगर आप देखिए, 4P1 का मान जो है इससे तुरंत आप निकाल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहां कितना बन जाएगा 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होके कितना वैल्यू देगा 4। सेम तरीके से एक वैल्यू जो है और हम निकालते हैं, आगे मान लीजिए 5P1 है, 5P1 का मान जो है ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस कितना 1, आएगा 5 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, और रिजल्ट ये क्या देगा 5 देगा। तो दोस्तों यहां से अब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, हम हल नहीं करेंगे, बल्कि जो है निष्कर्ष में जो है क्या निकलेगा कि अगर आपका जो है यहां r की वैल्यू 1 हो, ठीक है, r इज 1, r का मान अगर 1 हुआ और n का मान जो है कुछ भी हो, ठीक है, जैसे यहां पे 3P1 इसकी वैल्यू 3, 4P1 इसकी वैल्यू 4, 5P1 इसकी वैल्यू 5, इसका मतलब r का मान जो है 1 हुआ तो आपने देखा कि जितना n का मान होता है वही वैल्यू जो है आपको मिल जाता है। तो यहां से अब एक जो है हम फार्मूला जो है बना लेंगे, कौन सा फार्मूला, फार्मूला आपका ये बन जाएगा कि अगर NP1 है तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा N के बराबर। तो अब आपको जो है हल नहीं करना है, कभी भी जो है क्वेश्चन आप हल करते समय अगर इस तरीके से आपको जो है कहीं मिल जाए 7P1 तो तुरंत आपका मान जो है कितना आना चाहिए, तुरंत जो है आप लिख दीजिए 7। एक फार्मूला बन गया NP1 बराबर 1। अगला फार्मूला हम देखते हैं, एक फार्मूला तो ये आप अप्लाई करना जो है सीखिए परमुटेशन में, अब इसके बाद जो है कौन सा फार्मूला हम देखते हैं नेक्स्ट, जो है दूसरा फार्मूला अराइज करते हैं। एक तो मिल गया, एक बेसिक फार्मूला पहले से ही है, NPR = N·N − R·, और यहां पर NP1 का मान जो है n है, ठीक है। अब यहां से एक फार्मूला और देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पे हम क्या कहते हैं 5P0, एक मान जो है इसी फार्मूले से निकालते हैं कि 5P0 का मान क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने किया 4P0 तो 4P0 का मान क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, और इसकी भी वैल्यू कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो दोस्तों यहां भी आपने जो है क्या देखा कि यहां पर अगर r का मान जो है 0 हो जाए
और एन का मान जो है कुछ भी हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, ठीक है, तो आपका जो है यहां पे वैल्यू क्या मिल रहा है, वन के बराबर। इसका मतलब एक और जो है फार्मूला जो है यहां से मिल गया कि एन का मान जो है कुछ भी हो, ठीक है, तो यहां से एन पी जीरो इसका मान जो है क्या मिल जाएगा, वन हो जाएगा। आर की वैल्यू जो है जीरो हुई, तो यहां जो है कोई भी वैल्यू आ जाए उसकी वैल्यूज क्या मिल जाएगी, वन मिलेगी। इसलिए अगर कहीं पर ये 11P0 आपको जो है हल करना हो जाए कि ये किसके बराबर होगा, तब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करने में जो है इनका उपयोग करते हैं। आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट जो है फार्मूला जो है देखते हैं, सूत्र जो है कि और कौन सा जो है एक फार्मूला है। अगर मान लीजिए आपसे हम कहें कि 3P3 आपको हल करना हो, 3P3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 3 अपान जो है कितना होगा, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी फार्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 अपान 3 माइनस 3 कितना, 0 फैक्टोरियल। और इससे पहले हम बता चुके हैं 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अगर ऐसे ही मान लीजिए एक वैल्यू और हम निकालें 4P4, यहां भी आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। क्यों, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप यहां पे भी देख रहे हैं कि जब n बराबर r हो जाए, मतलब r का मान n के बराबर, ठीक है, तो उस केस में जितना n की वैल्यू होगी वही फैक्टोरियल लगा के उसका मान आएगा। इसलिए नेक्स्ट फार्मूला जो है इसका क्या बन जाएगा कि अगर कहीं पे है npn तो इसका मान क्या आएगा, n फैक्टोरियल। अब आपसे कोई आपसे कहे कि 7p7 की वैल्यू क्या है, तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 फैक्टोरियल आएगी। तो दोस्तों अभी हम जो है लेक्चर इसको जो है ये 3 जो है बेसिक फार्मूले हैं npn, np1 इक्वल टू n, np0 1 और npn इसका वैल्यू फैक्टोरियल n, और बेसिक फार्मूला है कौन सा, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो है 4 फार्मूले, आप इसको जो है बेहतर तरीके से सीख लीजिए। अभी हम जो है और क्या जो है डिस्कस करेंगे, ताले से संबंधित जो है मैंने कहा क्वेश्चन भी जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो आप इसको जो है चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जो है जरूर कीजिए। आइए ताले से संबंधित जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि बिना फार्मूले का प्रयोग किए हुए इस जो है क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। ताले वाले क्वेश्चन कहने का मतलब, कई बार आप जो है ताला देखते हैं उसके ऊपर जो है नंबर लिखा होता है और नंबरों को जो है सेट करके जो है क्या किया जाता है, ताले को जो है खोला जाता है, ठीक है। उसी से संबंधित हम क्वेश्चन जो है देखते हैं कि किस तरीके से कितना नंबर आप फेस होगा, उसको जो है तरीका क्या होगा। मान लीजिए आपसे हम ये कहें कि एक ऐसा ताला है जो जिसपे 2 रिंग बने हैं और हर एक रिंग पे 0 से लेके 9 तक के अंक दिए गए हैं। बताइए कोई व्यक्ति ताला खोलने में कितनी बार असफल हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये मान लीजिए हमने
यहां पे ऐसा बना दिया, यहां जो है दो जो है रिंग को जो है मैंने खाने से जो है निरूपित कर दिया। अब आप ये बताइए कि हर एक रिंग पे जब आप घुमाएंगे तो जीरो से लेके कितना जो है डिजिट आएगा, जीरो से लेके नौ तक इस पे भी आएगा और जीरो से लेके नौ तक इस पे भी आएगा। और जीरो से लेके नौ तक जो है कुल कितने डिजिट होते हैं, दस डिजिट होते हैं, दस अंक होते हैं। अगर ये जो है दस अंक हुए तो इसका मतलब आप ये बताइए, अगर जीरो से लेके नौ तक, जीरो से लेके नौ तक ये है, कुल नंबर ऑफ वेज कितना बनेगा, कितने तरीके जो है बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे कल के क्वेश्चन में आपने जो है पढ़ा था कि छह बसें चलती हैं, आती जाती हैं, कुल कितना तरीका होगा, सिक्स इंटू सिक्स होगा, किस तरीके से डिजिट बनेगा। आप ये बताइए कि जब जीरो से लेके नौ तक, जीरो से लेके नौ तक है तो जीरो जीरो बन सकता है, जीरो वन बन सकता है, जीरो टू, जीरो थ्री, जीरो फोर। हमको संख्या नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, तरीका बनाना है, कितना तरीका होगा। तो जीरो जीरो भी यहां जो है एक तरीके में आएगा और जीरो वन भी जो है एक तरीके में लिया जाएगा, जीरो टू, जीरो थ्री। इसका मतलब हर एक जीरो के साथ आप ऐसे देख सकते हैं कि दस तरीका जो है बन जाएगा, जैसे जीरो फाइव, जीरो सिक्स, जीरो सेवन, जीरो एट, जीरो नाइन। ये तरीका अगर देखेंगे तो कितना तरीका बनेगा, दस तरीका। ऐसे ही आप एक के साथ भी जो है कितना तरीका आएगा, एक जीरो, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, एक सात, एक आठ, एक नौ। तो आप ये जो है तरीके जो है देख सकते हैं कि इस तरीके से जब हम नौ तक लेके जाएंगे तो कुल जो है हंड्रेड तरीका बनेगा। आप यहां तरीका कैसे जानेंगे कि नौ डिजिट है यहां पे, नौ के नौ डिजिट यहां पे आ सकते हैं और नाइन के टेन के टेन, ये टेन डिजिट है, मैंने गलती से नाइन बोल दिया, तो यहां पे टेन डिजिट, यहां पे टेन डिजिट, इसका मतलब दस यहां भी आएगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा प्लस नहीं होगा, क्या होगा, गुणा होगा। क्यों गुणा होगा, आप देख रहे हैं कि ये पूरा अगर हम विस्तारित करें तो जो है ये हंड्रेड तक जो है आपका 99 तक बनेगा और जीरो जीरो से लेके 99 तक कुल जो है 100 तरीके बनेंगे। इस तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, ये 100 तरीका बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि जो है ताला खोलने में कितनी बार जो है वो असफल हो सकता है, तो आप ये बताइए यहां जब 100 तरीका है तो ताला खुलने वाला जो है कितना तरीका होता है, एक तरीका होता है, किसी डिजिट पे जो है फिक्स किया जाता है। तो जब एक तरीका जो है खुलने का होगा तो बाकी जो तरीके होंगे वो जो है क्या होगा, असफल होने का तरीका होगा। अब आइए सेम तरीके से क्वेश्चन जो है क्या बना देते हैं कि अगर मान लीजिए, अब ध्यान रखिएगा कि अगर दो रिंग का जो है ताला है, दोनों पे जीरो से लेकर नौ तक अंक है, उसको खोलना बड़ा आसान होता है, आप जो है उसको जो है घुमाते रहिए और आसानी से जो है ताला क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब हम यहां पे मान लीजिए अगर आपसे ये कह दिया जाए कि यहां से तीन डिजिट कर दिया जाए, तीन रिंग कर दिया जाए, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज डिजिट तो नहीं है कि मतलब जीरो से लेकर नौ तक अंक जो है इन पे जो है हर एक रिंग पे बना है, बताइए कोई व्यक्ति ताला खोलने में कितनी बार असफल हो सकता है। तो आप ये बताइए जब यहां पे जीरो से लेके नाइन तक जो है दस तरीका, यहां भी दस तरीका, यहां भी दस तरीका, तो कुल कितना तरीका हो जाएगा, 1000 तरीका। और इसमें जो है एक तरीका सही होता है, इसलिए कुल जो है कितना तरीका, 999 वेज पे जो है कोई व्यक्ति जो है यहां असफल हो सकता है। अब मान लीजिए, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग जो है बढ़ा दिए जाए तो ताला खोलने में, अब ध्यान रखिएगा रिंग वाला ताला है, अगर तीन रिंग उस पे बना है तो आप जो है अगर एडजस्ट करना जो है चालू कीजिए,
तो 1000 तरीका जब करेंगे तो उसी 1000 तरीके में जो है कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी नंबर पे जो है ताला क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब जैसे जैसे रिंग बढ़ जाएगी, अगर मान लीजिए ताला जो है कितने रिंग का कह दिया जाए, 4 रिंग का, और डिजिट उतने ही रहे, कितने 0 से लेके 9 तक, तो कितना आप खुद ही बताइए, 10 × 10 × 10 × 10 ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 10,000 हो जाएगा। और 10,000 में एक तरीका सही होगा, 9,999 तरीके ऐसे होंगे जिन पे जो है ताला खोलने में व्यक्ति क्या होगा, असफल होगा। और कई बार ध्यान रखिएगा कि रिंग पे जो है डिजिट जो है क्वेश्चन में क्या कर सकता है कि 1 से लेके कहां तक है, 8 तक अंक है। अब अगर 1 से लेके 8 तक अंक है तो टोटल जो है तरीका क्या बनेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो अब आपके पास 1 से लेके 8 तक है, 0 से लेके 8 तक नहीं है, 1 से 8 तक है, तो 8 तरीका होगा। तो 8 तरीके जो है क्या बन जाएंगे, 8 × 8 × 8, तो ये कितना तरीका हो जाएगा, 512 तरीका, उसमें एक तरीका सही होगा, एक घटा दीजिए 511 तरीके आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन में कितने तरीके से जो है रिंग पे जो है कितना डिजिट दिया गया, उसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन हल करना है। अगर मान लीजिए 0 से 6 कह दिया कि डिजिट जो है बने हुए हैं, तो 0 से 6 तक कुल जो है 7 डिजिट हो जाएंगे, तब 7 × 7 × जितना जो है रिंग इस पे कहेगा उतना जो है पॉसिबल तरीका होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने फार्मूले पे और इसके जो है ताले से संबंधित क्वेश्चन पे जो है चर्चा किया है। आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पंक्चुएशन को जो है आगे बढ़ाएंगे और भी टाइप के जो है क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए और जिससे आप मैथ को आसानी से सीखते रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।